बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर्स फैमिली एंड फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो व्यूवर्स, आज मैं आपको पाइनएप्पल डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो उसके लिए मैंने ये फिंगर बिस्किट्स लिए हैं। आप कोई भी सादे बिस्किट लेके इस तरह के, बग़ैर किसी क्रीम वगैरह के, ऐसे सिंपल बिस्किट लेके आप बना सकती हैं। तो मैं इसको जिस ट्रे में मुझे बनाना है, डिज़र्ट ट्रे, इसके अंदर ही मैं बिस्किट इस तरह से रख दूँगी। सो व्यूअर्स, इसको मैंने रख दिया है। तो अभी इसको साइड पे करके अभी मैं एक बॉल में क्रीम लेती हूँ। व्हीप क्रीम ली है मैंने 2 पैक और फ्रेश क्रीम 1 पैक लिया है। तो सबसे पहले मैं व्हीप क्रीम को इलेक्ट्रिक बीटर के साथ इसको अच्छे से बीट करूँगी ताकि ये थिक हो जाए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर जो होता है, विस्क की मदद से भी इसको अच्छे से बीट कर सकती हैं। तो अभी मैं दरमियान में इसके अंदर 5 टेबल स्पून शुगर ऐड करूँगी। अब इसको दोबारा से अच्छे से बीट करूँगी। जब ये थिक हो जाएगी तो फिर मैं इसके अंदर फ्रेश क्रीम भी शामिल करूँगी और उसको दोबारा से व्हीप क्रीम के साथ बीट करूँगी। अभी ये थिक हो गई है तो अभी मैं फ्रेश क्रीम इसमें शामिल करती हूँ। अब इसको अच्छे से बीट करते हैं। तो ये अब अच्छे से बीट हो गई, उसको साइड पे रख देते हैं। पहले हम बिस्किट के ऊपर अनानास का जो जूस है उसको इसके ऊपर इस तरह से फैला के डालेंगे एक एक बिस्किट पे, ताकि वो अच्छे से बिस्किट जूस पी लें, एब्जॉर्ब कर लें। इस तरह से आपने तमाम बिस्किट पे पाइनएप्पल जूस इस तरह से फैला के डालना है ताकि वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। तो अब हम इस क्रीम के अंदर येलो फूड कलर शामिल करेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारी क्रीम पाइनएप्पल के कलर से मैच हो जाए। इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा डिज़र्ट। आप कोई भी येलो फूड कलर यूज़ कर सकते हैं,
के देखिए कितने खूबसूरत कलर हो गए अभी। सो अब हम इस क्रीम के अंदर पाइनएप्पल चंक्स को शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इस क्रीम को हमने जो वो बिस्किट की लेयर लगाई है उसके ऊपर शामिल करेंगे और अच्छे से पूरी फैला देंगे। पूरी इसके ऊपर क्रीम फैलाने के बाद इसके ऊपर फिर हम जो बिस्किट हैं इसका क्रम्स शामिल करेंगे और स्प्रे करेंगे हम इसके ऊपर पाइनएप्पल जूस से। सो मैंने स्प्रे कर दिया था, तो अब मैं इसके ऊपर दोबारा से क्रीम शामिल करती हूँ और इसको अच्छे से पूरी फैला दूँगी। प्लेन शेप में आप इसको अच्छे से फैला दें और फिर इसके ऊपर मैं हल्का सा फिर से क्रम शामिल करूँगी, बिस्किट क्रम्स बिल्कुल साइड कॉर्नर पे चारों तरफ। और वो जो पाइनएप्पल मैंने पास रखे हैं इसके ऊपर पाइनएप्पल को मैं रख दूँगी और लास्ट में इसके ऊपर चेरी से डेकोर कर देंगे। पाइनएप्पल मैंने रख दिया, अब इसके ऊपर मैं चेरी रख दूंगी। हमारा पाइनएप्पल डिज़र्ट रेडी है, हम इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखती थी। अच्छे से ठंडा हो जाए, थोड़ा सेट हो जाए, तो फिर मैं आपको व्यूअर्स हमारा पाइनएप्पल डिज़र्ट रेडी है। इसको मैंने ओवरनाइट फ्रिज में ठंडा होने के लिए और सेट होने के लिए रख दिया था। आप इसे 3 से 4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं तो वो सेट हो जाएगा। व्यूअर्स ये देखिए मैं सर्व करती हूँ, बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट पाइनएप्पल क्रीम डिलाइट पाइनएप्पल डिज़र्ट रेडी है। लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही पसंद आएगा आपको। सो वीडियोस को मेरी शेयर करें, लाइक करें। जो न्यू देखने वाले मेरी वीडियो को वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो भी मेरी वीडियो को शेयर करें। ओके व्यूअर्स, मुझे आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।